प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 20 मोशन प्लेन को आप सॉल्व कर रहे हो। इससे पहले आपने बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, बहुत सारे थ्योरेटिकल पार्ट सॉल्व किए हैं और आपने अच्छे से चीज़ों को समझा भी है। आई होप आप इस चीज़ को भी समझेंगे। और बड़ा इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हो सकता है बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चों ने डायरेक्ट लगा दिया हो, लेकिन हो सकता है बहुत सारे बच्चों को कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हो रही हो इसके अंदर। तो कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को बताने से पहले कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता देता हूँ जो बहुत काम की आपके और जो आप पहली बार सीखोगे। अगर बहुत सारे बच्चों की भाई बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है वो चीज़ सीख रखी हो। आपके पास होता क्या है, अगर आपके पास कोई एक एक्सिस होती है तो आप उसके लिए एक ही डायरेक्शन वेक्टर यूज़ करते हो, या तो आई यूज़ करते हो, या जे यूज़ करते हो, या के यूज़ करते हो। लेकिन अगर कोई चीज़ आपके पास प्लेन में है तो प्लेन में क्या करते हो आप, प्लेन के अंदर क्या करते हो, प्लेन के अंदर आप कोई दो चीज़ यूज़ करते हो या दो कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करते हो, या तो एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स। तो उसी तरह से जब भी आपको प्लेन का जिक्र होगा तो आपको दो कोऑर्डिनेट लेने पड़ेंगे और वहीं दो डायरेक्शन वेक्टर भी होंगे, या तो आई जे या जे के या फिर के और आई, कुछ भी आप कह सकते हो। लेकिन अगर बात आ जाए 3D में, 3D का मतलब क्या है, स्पेस में, तो वहाँ आप एक्स एक्सिस भी बताओगे, वाई एक्सिस भी बताओगे और जेड एक्सिस भी बताओगे। तो यहाँ आपको ये चीज़ जाननी है कि अगर स्पेस में कोई है पॉइंट और उसके आपको वो वेक्टर की फॉर्म में दे रखा है, तो उसको आप कैसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में विभक्त करोगे, तोड़ोगे। इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो उस चीज़ को समझने के लिए लेट अस सपोज कि मेरे पास ये जो ए वेक्टर है, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ये कोऑर्डिनेट मेरे सामने दे रखे, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये स्पेस में है। और जब चीज़ स्पेस में होती है तो उसको तीनों कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और प्लेन में होती है तो दो कोऑर्डिनेट से। अब सवाल ये है कि एक्स एक्सिस के साथ हम ये मान के चलते हैं कि लेट अस सपोज कि ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर दिखा भी रखा है अल्फा एंगल एक्स एक्सिस के साथ। उसी तरीके से जो वाई एक्सिस है उसके साथ ये बीटा एंगल बनाए हुए हैं, जो भी इसका इंक्लिनेशन है वो बीटा एंगल पर है, और जेड एक्सिस के साथ ये वाई एंगल पर है, ठीक है। आप ये बात ध्यान रखिएगा, जो जेड एक्सिस होती है वो परपेंडिकुलर एक्सिस होती है ना, ये तो पता है ना आपको। परपेंडिकुलर वाली जो एक्सिस होती है वो कौन सी एक्सिस होती है, जेड एक्सिस। अगर ऐसा है कि आपके पास अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल पता है, तो आप इसके रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख सकते हो, इस पूरे वेक्टर ए वेक्टर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होगी इसकी, इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म होगी, रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होगी, ए वेक्टर कोज अल्फा आई डायरेक्शन में, ए वेक्टर कोज वेक्टर मत को इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ए कोज बीटा जे मतलब वाई एक्सिस में, इसी तरीके से ए कोज गामा ये हो जाएगा के। तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म है, ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म है ए वेक्टर की। अब आपको ये कन्फ्यूजन हो रही होगी कि ए कोज अल्फा कहाँ से आ गया, तो भाई सीधी सी बात है, अगर मेरे पास इस पर्टिकुलर ए पॉइंट का एक्स एक्स के साथ अल्फा इंक्लिनेशन है, और जब मैं डायरेक्शन में दिखाऊंगा एक्स एक्सिस की तरफ को दिखाऊंगा, तो मैं इसका एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक्स कोस कंपोनेंट लूंगा या नहीं लूंगा, बिल्कुल लूंगा। उसी तरीके से मैं जेड एक्सिस में भी उसका कोस कंपोनेंट लूंगा, उसी तरीके से मैं वाई एक्सिस में भी कोस कंपोनेंट लूंगा। तो तीनों कंपोनेंट जब आ चुके हैं तो ये आपके रेक्टेंगुलर फॉर्म के लाती है, ठीक है। तो इस तरह से रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब सवाल ये आता है कि आपको अगर वाई एंगल दे रखा है, अल्फा एंगल दे रखा है, तो बीटा एंगल कैसे निकालोगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस चीज़ को समझो, आपके पास एक आइडेंटिटी होती है, इसका प्रूफ नहीं बताऊंगा आपको, डायरेक्ट याद कर लेनी है, कोज स्क्वायर अल्फा प्लस कोज स्क्वायर बीटा प्लस कोज स्क्वायर गामा, ये हमेशा 1 के इक्वल होता है, बिल्कुल याद रखना है, ये प्रूफ है। अगर कोई भी पॉइंट स्पेस के अंदर है तो उसके लिए कोज स्क्वायर अल्फा प्लस कोज स्क्वायर बीटा प्लस कोज स्क्वायर गामा हमेशा 1 के बराबर होता। इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आपको अल्फा दे रखा है, बीटा दे रखा है, तो आपको गामा मिल जाएगा। मतलब कोई दो एंगल दे रखे हों तो तीसरा एंगल आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। बस ये चीज़ आपने समझ ली, तो अब आइएगा क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी बन जाएगा अब आपके लिए। इस क्वेश्चन में देखो हमसे क्या रखा, अ बर्ड मूव्स चल रही है विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड से एक चिड़िया उड़ रही है, इन डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल बनाए हुए है विद द ईस्टर्न लाइन। अब ईस्टर्न लाइन जो होती है ये आप एक्स एक्सिस कहते हो, तो एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पर है, 60 डिग्री के। तो आप ये मान लो
कि एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल है, वाई एक्सिस के साथ कौन सा एंगल है और जेड एक्सिस के साथ कौन सा एंगल है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखिएगा और लिखिएगा लेट्स से एंगल्स मेक्स बाय बर्ड विद एक्स को वाई एंड जेड एक्सिस आर अल्फा कोमा बीटा एंड गामा। इतनी सी बात कहने के बाद आपको अब जो कह रखा है क्वेश्चन के अंदर उसको आप लिखते चले जाओगे। तो आपको वेलोसिटी दे रखी है, गिवन दैट में आपको क्या दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है बॉडी की कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे क्या कह रखा, इन डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद ईस्टर्न लाइन। तो ईस्टर्न लाइन का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री। आगे को क्या कह रखा, एंड 60 डिग्री विद वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकल अपवर्ड। तो वर्टिकली अपवर्ड का मतलब ये है जेड एक्सिस के साथ, तो जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है ये 60 डिग्री। तो गामा आपको कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो इसका मतलब आपके पास बीटा नहीं है, तो बीटा आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना, तभी आप जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसको लिख पाओगे। तो ठीक है, बीटा निकालने के लिए आपको पता है, सिंस वी नो दैट एज कोज स्क्वायर अल्फा प्लस कोज स्क्वायर बीटा, कोज स्क्वायर अल्फा प्लस कोज स्क्वायर बीटा प्लस कोज स्क्वायर गामा, ये किसके बराबर होता है अपन के, जो जो आपको दे रखा हो वो लिख दो। कोज स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री, बीटा नहीं पता तो कोज स्क्वायर बीटा ऐसे रहने देंगे, कोज स्क्वायर गामा 60 डिग्री इज इक्वल टू 1। कोज 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर लगा हुआ है तो 1/2 का स्क्वायर, ये कोज स्क्वायर बीटा आपको चाहिएगा। इसी तरह से कोज 60 डिग्री की 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नंबर्स को ऐड कर दो, 1/2 का मतलब होता है 1/4 प्लस कोज स्क्वायर बीटा प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1। तो कोज स्क्वायर बीटा चाहिए 1/4 प्लस 1/4, ये होता है 1/2 के, तो ये हो जाएगा कोज स्क्वायर बीटा 1/2, और ये जब 1 के उस साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। तो ये आपके पास हो चुका है कोज स्क्वायर बीटा, जब 1 में से 1/2 निकालोगे तो 1/2 बचेगा, और यहाँ से कोज बीटा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1/√2। देखो कोज बीटा आपके पास 1/√2 पता है, कोज अल्फा आपके पास 1/2 दे रखा है ये पता है आपको, कोज अल्फा 60 डिग्री पर 1/2 नहीं पता क्या, बिल्कुल पता है। इसी तरीके से आपके पास कोज गामा ये भी 1/2 दे रखा है, ये भी आपको गिवेन है, ये आपने निकाल लिया। क्या इतनी सी बात आपने जान ली, अगर जान ली तो बस कोज कंपोनेंट आपको पता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कैसे लिखोगे, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है भाई, अब होगा क्या, वेलोसिटी दे रखी है वी, इसका कोस कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट लिखोगे, वी कोस अल्फा आई एक्सिस में प्लस वी कोस बीटा जे एक्सिस में प्लस वी कोस गामा के एक्सिस में। सही है भाई, वी कितना दे रखा आपको 20, कोस अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट रखो, कोस अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, ये आ गया आई में, वी 20 दे रखा आपको, कोस बीटा की वैल्यू 1/2√2 ऐसी रहने दो, ये हो गया जे में, प्लस वी 20 दे रखा, कोस गामा 1/2 ये के में। इतनी बात समझ गए हो तो देखो बाकी काम भी हो जाएगा, 2 से काटोगे 20 को तो ये 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10i प्लस √2 से 20 को काटोगे तो 10√2 आ जाएगा, तो 10√2j प्लस 2 से काटोगे तो 10 बार चले जाएगा 10k। समझ रहे हो आप, ये आपके पास आ चुका है रेक्टेंगुलर फॉर्म वेलोसिटी की। तो इतना इजी था, कुछ था इसके अंदर, कुछ भी नहीं था, बस आपने कॉन्सेप्ट को समझा और क्वेश्चन को लगा दिया। लेकिन अगर किसी को अभी भी दिक्कत आ रही है, सर किसी को अगर अभी भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, वरना डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक पेज का, आप जाकर सबको फॉलो कर लें और वहाँ जाकर अपनी क्वेरीज डिस्कस कर सकते हैं। हो सकता है मैं आपको वीडियो कॉल करके इंडिविजुअल को उस चीज़ के बारे में बता दूँ जो चीज़ आपको ना पता हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।